हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ यतेंद्र उपाध्याय, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। आज अपन एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी बायोकेम डीटीएस नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन The two example are incorrectly matched with their particular type of immunity. तो इसमें आप लोग देखें कि physiological barrier जिसमें saliva और tears आ गया सही है, physical barrier skin और mucus coating हो गई जो कि सही option है, cellular barrier monocyte और macrophage सही है, और उसके बाद option number 4 में cytokine barrier जिसके अंदर interferon तो सही है लेकिन स्टमक के अंदर जो HCL है वो एक यहाँ पे इनकरेक्ट मैच हो गया। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्टली मैच्ड, तो हमारा जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि आइडेंटिफाई द गिवन एंटीबॉडी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है ये है IgM इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडी जो कि पेंटामेरिक फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। IgM जो एंटीबॉडी है वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान सबसे ज़्यादा बनता है और उस दौरान कुछ अमाउंट में IgG बनता है। इस दौरान बनने वाली जो मेमोरी सेल है वो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान एक्टिवेट होकर के जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराएगी उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो एंटीबॉडी बनेगा वो बनेगा IgG, और जो कुछ अमाउंट में बनेगा वो होगा IgM। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आगे भी कुछ क्वेश्चन है जिसकी बात अभी हम लोग करेंगे। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी बनता है वो बनता है IgM, और इस दौरान कुछ अमाउंट में जो बनता है वो IgG, और वही अगर मेमोरी सेल के थ्रू हो तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान IgM कम बनता है और जो मेन एंटीबॉडी होगा वो होगा IgG। तो आप लोग देखें कि इसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट में लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी टू बी सिक्रेटेड ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। ये जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान सबसे ज़्यादा ये बनता है जो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर भी बताया गया है। इसके अंदर एक लाइन और लिखी है, इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। ये जो एंटीबॉडी है वो बी लिम्फोसाइट जो है उसकी सरफेस के ऊपर भी एक एज ए सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह वर्क करता है जो एंटीजन के साथ जुड़ने के बाद में इसको एक्टिवेट करने में भी इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। लिखा है दिस इज द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी इन ब्लड प्लाज्मा एंड इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग ए सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो लिखा है कि मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी इन ब्लड प्लाज्मा, जो कि रॉन्ग है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो है IgG, उसके बाद में IgA और थर्ड नंबर पे IgM है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड लिखा है दिस इज द मेजर फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी इन एक्सटर्नल सिक्रेशन सच इज सेलाइवा एंड मदर मिल्क, और हम सब लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल सिक्रेशन में बॉडी की सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एंटीबॉडी वर्क करता है वो होता है IgA, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है कि दिस फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज प्रमोट द रिलीज ऑफ हिस्टेमाइन, नहीं ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि हिस्टेमाइन को रिलीज करने के लिए जो मास्ट सेल है उसकी सरफेस के ऊपर जो एंटीबॉडी उसको प्रमोट करेगा वो होगा IgE, जो इसका डीग्रेन्यूलेशन जो है उसको प्रमोट करता है जिसमें IgM जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सारी बातें इस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हो गई जिसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में एड्स इज कॉज्ड बाय इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और उसके बाद आपको पूछा है कि कौन सी स्ट्रक्चर HIV फैक्ट्री की तरह वर्क करती है। तो
तो आप लोग देखें कि एचआईवी फैक्ट्री की तरह जो वर्क करती है वो मैक्रोफेज होती है, जिसमें सबसे पहले एचआईवी की एंट्री होती है, उसके बाद में वहाँ पे वायरल पार्टिकल जो है वो एम्पलीफाई होते हैं, बडिंग की प्रोसेस से वो बाहर रिलीज होते हैं, उसके बाद में वो टी हेल्पर सेल पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया मैक्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन इज इंड्यूस्ड बाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। तो इसमें एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन की बात हुई, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई नॉन सेल्फ एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया गया है जो आपके इम्यून सिस्टम को प्रमोट करता है, और ऐसे में आप लोग देखें कि इसके लिए बैक्टीरियल प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं, सही है। टॉक्सॉइड इनएक्टिव टॉक्सिन है, ये भी बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद में हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। और फिर वैक्सीन, वैक्सीन के अंदर तो कोई भी वीक एंटीजन आ गया जो बॉडी के अंदर जाकर के उसको प्रमोट कर सकता है, लेकिन आप लोग देखें यहाँ पे एंटी टॉक्सिन, ये टॉक्सिन के अगेंस्ट वर्क करता है, और एंटीटॉक्सिन अगर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किया गया है तो एंटीटॉक्सिन तो बॉडी के अंदर जाकर के जो है आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेगा, बल्कि वो डायरेक्टली जो एंटीजन बॉडी के अंदर है उसका जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट वर्क करता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है। तो आपका राइट ऑप्शन इसके अंदर नंबर 2, जो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकली ए डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ए वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो एनसीईआरटी का है ये, जिसके अंदर जो है हीरोइन जो है उसके रिगार्डिंग दे रखा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है हीरोइन, जो मॉर्फिन के मॉडिफिकेशन से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉयड लाइक कॉर्टिसोल आर यूज्ड बाय एथलीट्स एज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स टू सबसाइड पेनफुल स्वेलिंग इन लिम्स टू बी एबल टू टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज, द एक्शन ऑफ स्टेरॉयड इज टू सप्रेस द इफेक्ट ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें स्टेरॉयड जो दिए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको इसमें पूछा है, तो स्टेरॉयड जिसके एक्शन को इनहिबिट करता है उसके रिगार्डिंग है ये, तो मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही ये आपको क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आपका राइट जो आंसर है वो है हिस्टामिन, जिस जो मास्ट सेल्स रिलीज हो रहा है और इसके एक्शन को स्टेरॉयड जो है वो इनहिबिट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो एलिफेंटियसिस के रिगार्डिंग है, जो ओकेरिया के वजह से होता है, जो कि हेलमेंथीज है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से इसका जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है। तो इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट इसके रेस्पेक्ट में, तो आप लोग देखें कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, लिम्फेटिक वेसल में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, स्क्रोटम जो है उन पे भी इफेक्ट पड़ता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो भी उनका भी डिजनरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें कि स्वेलिंग ऑफ सेलिवरी ग्लैंड एंड स्मॉलर जॉइंट, जो कि इसका कोई भी ऐसा इसकी वजह से हमारी बॉडी पे होने वाला कोई इफेक्ट ऐसा नहीं होता है, तो इस रेस्पेक्ट में राइट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इंटरफेरोन के रिगार्डिंग है, जो बॉडी के अंदर ऐसे सेल रिलीज करते हैं, और कब करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस की एंट्री होती है, तो वायरस की एंट्री के बाद में वायरल इन्फेक्टेड सेल जो हैं वो इंटरफेरॉन रिलीज करती हैं, जो आसपास की हेल्दी सेल को एक्टिवेट करती हैं, ताकि वो ऐसे केमिकल बना पाए जो उनमें वायरस के एम्पलीफिकेशन को रोके, है ना। तो ये वायरल इन्फेक्टेड सेल प्रमोट कर रही हैं, और वायरस की हेल्दी सेल के अंदर ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, तो एंटीवायरल है, लेकिन इंटरफेरॉन जो है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में नहीं है, कि किसमें आएगा, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। तो एंटीवायरल है, नॉन स्पेसिफिक सही दिया है, एंटीवायरल स्पेसिफिक नहीं है, एंटीफंगल है नहीं, एंटीवायरल और फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर ही आता, नहीं तो आपका राइट आंसर हो गया 1st। अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्पोर्ट्समैन अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स लेते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको ये पूछा हुआ है, जिसमें आप लोग देखें कि
कि कौन कौन से ड्रग्स वो यूटिलाइज करते हैं, तो आप लोग देखें कि नार्कोटिक एनालिजिस, एनाबोलिक स्टेरॉयड और डायूरेटिक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन बाकी के ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट हो गए, तो उसके रेस्पेक्ट में आप लोग देखें कि यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे टोबेको प्रोडक्ट और यहाँ पे कॉकीन, इनका यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया के दौरान जब इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कंप्लीट होती है, तो उस दौरान जो चिलिंग की प्रोसेस होती है वो किसके रिलीज होने से होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो उसके अंदर जो हिमेजोइन ग्रेन्यूल्स हैं जो हिमोग्लोबिन के कैटाबोलिज्म से, उसके डिस्ट्रक्शन से पैरासाइट जो है वो क्रिएट करता है आरबीसी के अंदर, और ये जब रिलीज होते हैं तो ये सारे सिम्टम अपियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलिसेंस के रेस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप लोग देखें कि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि एडोलिसेंस मीन ओनली ए पीरियड, है ना, ओनली ए पीरियड नहीं, पीरियड भी और एक प्रोसेस भी जो एनसीईआरटी ने लिखा है। तो यहाँ पे ओनली की वजह से ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया, बाकी के तीनों एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है जो कि इसके रेस्पेक्ट में सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें आपको कि डॉट्स प्रोग्राम के थ्रू बॉडी के अंदर जो एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो कौन से डिजीज के रेस्पेक्ट में। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा हो तो जो ट्यूबरक्यूलोसिस के रेस्पेक्ट में, टीबी के रेस्पेक्ट में ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो विड्रावल सिंड्रोम के रेस्पेक्ट में है, और पूछा है कि विड्रावल सिम्टम्स या सिंड्रोम में कौन कौन से आते हैं। तो आप लोग देखेंगे इसमें एंजाइटी है, सेकिंगनेस है, नोजिया है, लेकिन गैस्ट्राइटिस जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ये जो टोबैको प्रोडक्ट है उसकी वजह से ये क्रिएट होता है। एम्फाइसिमा भी टोबैको प्रोडक्ट की वजह से, बाकी ये तो ठीक है लेकिन इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। एंजाइटी, नोजिया और स्वेटिंग ये इफेक्ट है इसमें आते हैं ये। ब्रोंकाइटिस, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो बॉडी के अंदर जो निकोटीन से रिलेटेड जो एनसीईआरटी लिखा है उसके रिस्पेक्ट में है, बाकी सेकिंगनेस है, लेकिन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो थर्ड हो गया। नेक्स्ट पूछा है, गैमेटोगोनी इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट, कि जो प्लाज्मोडियम पेरेसाइट है उसकी लाइफ साइकिल में जो गैमेटोगोनी है वो कहाँ, उसके रेस्पेक्ट में क्या सही है। तो आप लोग देखें कि स्टार्ट इन ह्यूमन आरबीसी एंड कंप्लीट इन मॉस्किटो स्टमक, हमारी आरबीसी के अंदर जो गैमेट फॉर्मिंग सेल है उनका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में जब कोई फीमेल एनोफिलीज ब्लड को सक करती है तो उस वो जो गैमेटोसाइट है उसके स्टमक में चले जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो गैमेटोसाइट है वो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हम लोग एंडोथर्मिक होते हैं, और गैमेटोसाइट तभी गैमेट का फॉर्मेशन कर पाएंगे जब वो एक ऐसे होस्ट के अंदर जाएं जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर कम हो, और वो जो शूटेबल लोकेशन है वो एनोफिलीज उसको प्रोवाइड करती है। तो स्टार्ट इन ह्यूमन आरबीसी एंड कंप्लीट इन मॉस्किटो स्टमक सही आंसर है, अकर्स इन ह्यूमन लीवर, बाकी तो ये ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें लिखा है अकर्स इन मॉस्किटो ओनली, नहीं, उससे के रेस्पेक्ट में हम लोग भी आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट इन ह्यूमन आरबीसी एंड कंप्लीट इन मॉस्किटो आरबीसी, है ना, तो आरबीसी तो इनवर्टिब्रेट है तो वहाँ पे है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो कोलेस्ट्रम के रेस्पेक्ट में है, और उसके लिए पूछा कि ये परमानेंट क्यों नहीं है, बच्चा जो कोलेस्ट्रम के थ्रू जो एंटीबॉडीज ले रहा है उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं है। तो इसके रेस्पेक्ट में दिया है कि सबसे पहला दिया है अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज इन कोलेस्ट्रम इज लिमिटेड, काफ़ी अमाउंट में होता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है इसके रेस्पेक्ट में। और फिर लिखा कि मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज गेट डाइजेस्टेड इन द गट ऑफ न्यू बॉर्न, नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया, जो न्यू बॉर्न बेबी है मिल्क के थ्रू जो एंटीबॉडी उनके
इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं तो उनकी इंटेस्टाइन की परमेबिलिटी अडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, और IgA जो है वो बिना डाइजेस्ट हुए बॉडी के अंदर उनके एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट जो तीसरा दिया है उसमें लिखा है कि ऑप्टेनिंग पैसिव इम्यूनिटी डज नॉट इन्वॉल्व इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग, हेंस नो मेमोरी इज जनरेटेड। यस, ये सही ऑप्शन दिया है इसमें कि जो एंटीबॉडीज लिए जाते हैं वो लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है कि ना बॉडी की अंदर कोई मेमोरी सेल डेवलप हो, इसलिए इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया वो ऑप्शन नंबर थर्ड का हो गया। तो ये आपका 15 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन में ऑटोइम्यून डिजीज के रेस्पेक्ट में है, जिसमें मसल डिजनरेशन के रेस्पेक्ट में आपको पूछा हुआ है और पूछा कि ये किससे रिलेटेड है। तो आप लोग देखें कि ऑटोइम्यून डिजीज मास्थेनिया ग्रेविस, जिसके अंदर ACH का जो रिसेप्टर है उसके लिए यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडी जनरेट हो जाते हैं जो मसल के डिजनरेशन के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन से रिलेटेड है और पूछा कि उसको किससे, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है और उसको किससे रोका जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है वो उसके लिए CMI रेस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, और उसके लिए जो केमिकल जो ड्रग यूटिलाइज किया जाता है वो है साइक्लोस्पोरिन। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थ्री, जिसके अंदर CMI जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और उसको इनहिबिट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, किससे? साइक्लोस्पोरिन से। नेक्स्ट, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, NCERT का ही ये स्टेटमेंट से बनाया हुआ है, जिसको सिंगल आउटक्रॉस के थ्रू हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान फर्स्ट जो इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा है। फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन टू बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ए पैथोजन ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स विल बी, है ना, तो ये हो गया IgG, क्योंकि प्राइमरी के दौरान सबसे ज़्यादा IgM बनता है, IgG कम बनता है, और सेकेंडरी के दौरान IgG ज़्यादा और IgM कम अमाउंट में बनता है। नेक्स्ट पूछा कि एंटीबॉडी का FAB पोर्शन जो है वो किसका बना होता है, उसको कौन बनाता है FAB। तो आप लोग देखें फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन जो एंटीबॉडी का है, इसमें वेरिएबल पार्ट होगा हेवी चेन का भी और लाइट चेन का भी। तो इसमें कॉन्स्टेंट को तो हम लोग लेंगे नहीं, वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन टुगेदर, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज APC, कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह इनमें से कौन सा एक्ट नहीं कर सकता। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो एंटीजन को या किसी भी बैक्टीरिया को इनगल्फ करती है, एंडोसोम बनता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है लाइसोसोम से, और फिर MSC मॉलिक्यूल के थ्रू उसके एंटीजेनिक पार्ट को सरफेस पे टी हेल्पर सेल और TC सेल को प्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें इन्वॉल्व कौन नहीं है ये आपको पूछा गया है। तो उसमें बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व है, उसमें मैक्रोफेज इन्वॉल्व है, उसके अंदर डेंड्राइटिक सेल इन्वॉल्व है, लेकिन मास्ट सेल उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल फेगोसाइट है वो इसको रिप्रेजेंट कर सकती है, और बी लिम्फोसाइट जो है वो MSC सेकेंड की हेल्प से इसको टी हेल्पर सेल को रिप्रेजेंट करती है, जिससे AMI एक्टिवेट होती है। तो राइट आंसर इसका हुआ है 4। नेक्स्ट, टिटनस जो डिजीज है उस के लिए इमीडिएटली रिलीफ के लिए पूछा है कि कौन सा यूटिलाइज किया जा सकता है। टिटनस का जो पैथोजन बॉडी में एंट्री करने के बाद में जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है टिटेनोस्पाज्मिन, और उसकी इफेक्ट से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो एक एंजाइम है जो ACH का डिस्ट्रक्शन करता है वो वर्क नहीं कर पाता, जिससे मसल के अंदर परमानेंट कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो उस वो प्रोसेस ना हो इसलिए बॉडी के अंदर ऐसा क्या इंट्रोड्यूस किया जाए।
तो इसके लिए आप लोग देखें कि एंटी टिटनस सीरम, जिसके अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी होते हैं उस एंटीजन के लिए, जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद में इमीडिएटली हमें उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर हो गया इसका थर्ड। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूछा है एनसीईआरटी का ये कि ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो सिंपल सा है विलियम हार्वे। नेक्स्ट है फिर अमोंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन फैटल डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस में सबसे जो फैटल है वो हो गई कैंसर। नेक्स्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो इजीली ट्रांसफर हो जाए तो वो कौन सी डिजीज है, तो इसके अंदर पूछा है डिजीज विच कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो नॉन इन्फेक्शियस हो नहीं सकता, और वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज इन्फेक्शियस हैं जो सेकंड के अंदर आ गई, तो आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्फ्लुएंस आवर इम्यून सिस्टम, सही है। माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन इफेक्ट आवर हेल्थ, सही है। हेल्थ इज अफेक्टेड बाई जेनेटिक डिसऑर्डर इन्फेक्शन लाइफस्टाइल, सही है। हेल्थ डज सिंपली मीन ओनली अब्सेंस ऑफ डिजीज, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो इसमें जो करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए, तो हमारा राइट आंसर हो गया फोर। नेक्स्ट सालमोना टाइफी के लिए पूछा कि वो इंटेस्टाइन में किसके थ्रू एंट्री करता है, तो मतलब फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज है ये, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये हमारी बॉडी में एंट्री करता है और दूसरे ऑर्गन में इसका माइग्रेशन ब्लड के थ्रू होता है, तो राइट आंसर हो गया फोर। नेक्स्ट इसमें सालमोनेला टाइफी के इन्फेक्शन के बाद पूछा कि सीवियर केस में कौन सा होगा, तो सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, बाकी तो नॉर्मली होते हैं। ओके नेक्स्ट पूछा कि टाइफाइड के रेस्पेक्ट में डायग्नोसिस टेक्निक, सिंपल सा, इसके अंदर आप लोगों को विडाल टेस्ट लगाना है। नेक्स्ट मैरी मेलोन पूछा है कौन से डिजीज से रिलेटेड है, तो मैरी मेलोन भी टाइफाइड से रिलेटेड है। नेक्स्ट एंटमीबा हिस्टोलाइटिका पूछा कि पैरासाइट ऑफ हमारी बॉडी के अंदर कौन सी लोकेशन पे जाकर के इन्फेक्शन कोज करता है या अपनी जो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट कोज करता है, तो वो हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर दैट, इसके लिए कौन सा सही नहीं है, तो पहला देखें सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल एंड इंजेक्टेड इन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ सेलेक्टेड फीमेल बाई ब्रीडर, सही है। सीमन मे बी यूज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन एंड यूज एट लेटर स्टेज, सही है। इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इन फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्योंकि इसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है जहाँ पे फीमेल को रखा गया है। और फोर्थ ऑप्शन है इट हेल्प अस टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मेटिंग, ये भी सही ऑप्शन है और आपको इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा है तो उसके रेस्पेक्ट में आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ डिजीज विद कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन, न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया सही है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सही है ऑप्शन, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी लेकिन एयरबोर नहीं है, मलेरिया मेल एनोफिलीज दिया है उसकी जगह क्या आना चाहिए फीमेल एनोफिलीज, एलिफेंटियसिस जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से नहीं होता है, तो राइट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट इस एनसीईआरटी के फिगर की लेबलिंग के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा है जिसके अंदर आपको देखना है कि ए जो है वो है गैमेटोसाइट, बी सेलेवरी ग्लैंड है और सी जो इससे रिलीज हो रहे हैं वो स्पोरोजोइट है, और आप लोग देखें कि यहाँ पे डी ये क्या है, ये प्रोसेस जो है वो हमारी आरबीसी के अंदर पैरासाइट की एसेक्सुअल साइजोगोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट मैच हो गया वो ऑप्शन नंबर वन में रिप्रेजेंटेड किया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में
पूछा कि इम्यूनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि जो मेमोरी सेल का प्रोडक्शन है वो इसका प्रिंसिपल है, जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर एक्टिवेट होकर के पैथोजन के अगेंस्ट तुरंत वर्क करती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में पूछा कि ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, तो एनसीईआरटी का ही ये फिगर है जो कैनबिनॉइड के रेस्पेक्ट में है। नेक्स्ट, ये एक बॉडी की सरफेस पे रिलीज होने वाला एक एंटीबॉडी आईजीए है जो डाइमेरिक फॉर्म में होता है, और इसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिफाई करना है कि क्या डाइमेरिक आईजीए सही है, जिसके अंदर एक आईजीए इस तरफ और दूसरा इस तरफ जो आपस के अंदर कनेक्टेड है। तो एक डाइमेरिक आईजीए है, इट हैज 6 पैराटोप। आप लोग देखिए इसमें टोटल कितने पैराटोप है, 1, 2, 3 एंड 4। इसके पास टोटल 4 पैराटोप है, 6 पैराटोप यहाँ पे रॉन्ग हो गया। IgA विद 4 पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि ये एक डाइमेरिक फॉर्म है तो इसके अंदर टोटल पॉलीपेप्टाइड जो हैं एक IgA में 4 हैं तो डाइमेरिक है तो 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 वाला भी गड़बड़ हो गया। और ये IgM दिया है तो जो भी सही नहीं है, तो करेक्ट हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इस एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप लोग देखें कि ए हैवी चेन है, बी लाइट चेन है, और सी के रेस्पेक्ट में जो पैराटोप है एंटीजन बाइंडिंग साइट सही है, और डी जो रिप्रेजेंटेड है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए हैं जो इंट्रा चेन भी है और इंटर चेन भी है। तो इसका जो करेक्ट मैचिंग का ऑप्शन हो गया वो हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, करन स्वीस, करन फ्राइस और हिसेडेल के रेस्पेक्ट में कि कौन सा ये किसके एग्जांपल हैं, तो आप लोग देखें कि ये क्रॉस ब्रीडिंग जो है उसके एग्जांपल है। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, इन ब्रीडिंग और दूसरा जो आउटर ब्रीडिंग होता है, आउटर ब्रीडिंग के अंदर ही क्रॉस ब्रीडिंग आता है, तो उसके एग्जाम्पल ये हो गए। नेक्स्ट, ब्लू रिवोल्यूशन के लिए पूछा कि इसमें क्या इंक्रीज होता है, तो आप लोग देखें ब्लू रिवोल्यूशन मतलब फिश प्रोडक्शन, ग्रीन रिवोल्यूशन क्रॉप के लिए, मिल्क के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन, और एक के लिए सिल्वर, एक के लिए सिल्वर रिवोल्यूशन। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड इन फीमेल एक्सेप्ट, कि फीमेल में किसी एक को छोड़कर के बाकी सारे इफेक्ट एनाबोलिक स्टेरॉइड के होंगे, कौन सा एक जो है वो इसमें नहीं आता है। तो अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस होगा, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस होगा, लेकिन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जो है वो फीमेल से रेस्पेक्ट, फीमेल के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये मेल के अंदर होता है। तो इसके अंदर जो इनकरेक्ट मैच हो गया वो गया 4। नेक्स्ट, टिक मार्क द इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ड्रग एंड सोर्स, और उसका जो एक्शन है उसके रेस्पेक्ट में आपको पूछा कि कौन सा एक इनकरेक्ट है। तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में जो कि एक कैनबिनोइड की स्ट्रक्चर है, इसको पॉपी प्लांट से रिलेट किया गया है, जो कि इसके अंदर इनकरेक्ट मैच हो गया। बाकी को अगर हम लोग देखें तो कैफीन टी लीव से हमें प्राप्त होता है, और ये CNS की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, सही है। एम्फेटामिन एक एड्रेनालिन जो है उसी का एनालोगस है, और ये एक व्यक्ति के वैकफुलनेस को प्रमोट करता है, और कोकीन जो है एरिथ्रोजाइलम कोका, ये इसके रेस्पेक्ट में भी सही दिया है। तो इसके अंदर इनकरेक्ट हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल्फ वर्सेज नॉन सेल्फ एंटीजन बाई अडेप्टिव इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन इज अकम्प्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, कि सेल्फ को नॉन सेल्फ से कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो उसके लिए सही पूछा है। फर्स्ट में लिखा है कि एक्सपोजर ऑफ बी सेल टू बॉडी ओवन एंटीजन इन थाइमस नहीं होगा, यहाँ पे थाइमस की जगह बोन में रहोगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गड़बड़ हो गया। और नेक्स्ट है फिर एक्सपोजर ऑफ वी सेल टू बॉडी ओवन एंटीजन इन बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, ये जो है वो पक्षियों में है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। फिर लिखा है एक्सपोजर ऑफ टी सेल टू द बॉडी ओवन एंटीजन इन बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, इसमें भी वर्षा की वजह से, ये इनकरेक्ट हो गया। जो फोर्थ है उसमें एक्सपोजर ऑफ टी सेल टू बॉडी ओवन एंटीजन इन थाइमस, ये वाला सही ऑप्शन इसमें है,
ये जब भी WBC का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होता है तो दो टाइप का सिलेक्शन होता है, पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में उन WBC का होता है जो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट ना हो, और जो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करती हैं उनका नेगेटिव सिलेक्शन होता है, उनका अपोप्टोसिस से उनको हटा दिया जाता है। तो ये उसके रेस्पेक्ट में था। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल्स। तो इसके रेस्पेक्ट में ये पूछा है। तो ये हो गया आपका आउट क्रॉसिंग, NCERT का सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में कौन सा इंक्लूड नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इन ब्रीडिंग अलोंग विद सेलेक्शन इन ब्रीडिंग उसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट, MOET प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में आपको पूछा कि कौन सा एनिमल जो है इससे रिलेटेड नहीं है। तो कैटल्स है, रैबिट्स हैं, शीप हैं, लेकिन हेन बर्ड्स जो हैं इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, म्यूल के रेस्पेक्ट में पूछा कि म्यूल जो है वो किस प्रोसेस से क्रिएट किया गया है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से पूछा कि कौन से वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है जो रेट्रोवायरस मतलब जो RNA से DNA का फॉर्मेशन करता है। तो आप लोग देखें कि हिपेटाइटिस बी, स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस ए, इन वायरस को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। HIV रेट्रोवायरस है जो आपका इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ओड वन पूछा आपको, यहाँ पे देखें विब्रियो, यर्शीनिया, कॉर्नी बैक्टीरियम, ये सब बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे माइक्रोस्पोरम फंगस से रिलेटेड जो ओड वन हो गया। नेक्स्ट पूछा है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट एंड फर्टिलाइजेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, की प्लाज्मोडियम में पूछा कि कहाँ पे गेमेट बनते हैं और कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप लोग को पता है कि गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो मॉस्किटो के स्टमक में ही गेमेटोसाइट पहुँचने के बाद में करती है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो गेमेट का फॉर्मेशन और उनका फर्टिलाइजेशन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। नेक्स्ट पूछा कि इनमें से कौन से पैथोजन के लिए कोई फीमेल मॉस्किटो एज ए वेक्टर वर्क नहीं करती है। तो आप लोगों को पता है कि वुकेरिया के लिए क्योलेक्स है वर्क करती है, प्लाज्मोडियम वर्क कर रहा है, डेंगू चिकनगुनिया के लिए है, लेस्मानिया जो एक प्रोटोजोवन डिजीज है, काला आजार जो डिजीज कोज करता है, सेंड फ्लाई जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मॉस्किटो इससे रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर हो गया हमारा 4। नेक्स्ट पूछा कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जब एक फीमेल एनोफिलीसक करती है तो उसके स्टमक में उस पेशेंट से जो ब्लड जा रहा है उसमें प्लाज्मोडियम की कई स्टेज है, कौन सी स्टेज का डाइजेशन नहीं हो रहा। तो आप लोग देखें कि सिग्नेट रिंग स्टेज डाइजेस्ट हो जाएगी, स्पोरोजोइट्स डाइजेस्ट हो जाएंगे, क्रिप्टोजोइट्स हो जाएंगे, लेकिन जो गैमेट फॉर्मिंग सेल है गैमेटोसाइट उसका डाइजेशन उसके स्टमक में नहीं होता है। तो राइट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो आपको पता है कि ये इम्यूनोथेरेपी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो गया 3। नेक्स्ट फाइंड आउट ओड ऑप्शन एड्स के रेस्पेक्ट में। तो ऑड वन जो है, तो पहला देखिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर न्यूक्लियोसाइड एनालॉगस, सही स्टेटमेंट है ये कि काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जो वायरल जीनोम के की जो कॉपी बनती है, RT एंजाइम जब वर्क करता है तो RNA से DNA बनाता है, उस वक्त जो न्यूक्लियोसाइड वगैरह वहाँ पे जुड़ते हैं उनका एनालॉगस वो ड्रग वर्क करते हैं और वहाँ पे इनकॉर्पोरेट होकर के उस प्रोसेस को रोक देते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड जो है उसमें दिया है कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग आर ओनली
partially effective because they can only prolong the life of person but cannot prevent death. सही है. Next दिया कि although the virus never developed resistance against these drug. नहीं, उनके लिए resistant virus develop करता है, इसलिए ये statement जो है वो wrong हो गया. Doctor generally give judovudine and nevirapine to HIV pregnant women to ensure that their babies do not carry the infection. सही statement है, तो इसके लिए odd one हो गया. Third, next. Erythrocytic cycle जो है plasmodium का या erythrocytic cyzogony हमारी body के अंदर, उसका correct order आपको पूछा गया है, तो उसके अंदर आप लोग देखें कि start जो trophozoite से होता है, लेकिन सीधा amoeboid stage दे रखा है. Trophozoite इसमें पहले amoeboid, ये भी गलत हो गया. Trophozoite signet ring stage, फिर amoeboid, फिर rosette और फिर cyzont. रोजेट जो वो लास्ट में आता है, इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया. ट्रोफोजोइट, सिग्नेट, रिंग स्टेज, अमीबॉइड, साइजोंट और रोजेट, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर. नेक्स्ट, एचआईवी के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए, पूछा कि कौन सा रोंग है, कौन सा राइट है, तो आप लोग देखें इसमें. फर्स्ट जो है, एड्स वायरस कैन पास फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. सही है, ट्रू स्टेटमेंट है. दूसरा, एड्स वायरस विल माउंट एन अटैक ऑन सेल विद CD4 रिसेप्टर. सही स्टेटमेंट है. CD4 जो एक रिसेप्टर जिन सेल्स पे होता है उन पे HIV इजीली एंट्री कर जाता है, क्योंकि वो अपने सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से उनके ऊपर जुड़ के उनकी मेम्ब्रेन से इजीली अंदर की तरफ एंट्री कर जाता है. ये ऑप्शन भी सही है, ट्रू है. सी दी हेल्पर टी सेल एक्ट एज ए HIV फैक्ट्री. नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. पीछे भी ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैक्रोफेज जो है वो HIV फैक्ट्री की तरह वर्क करती है. PCR रूटीनली यूज होता है इसके डिटेक्शन के लिए. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. तो आप लोग देखें कि फर्स्ट ये इसमें फॉल्स दिया, गलत हो गया. इसमें भी सेकेंड को फॉल्स दिया, ये भी सही ऑप्शन नहीं है. ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, तो राइट आंसर हो गया हमारा फोर. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी. स्किन के लिए कार्सिनोमा है, तो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू के लिए तो वो हो जाएगा ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के रेस्पेक्ट में. नेक्स्ट, मैलिग्नेंट न्योप्लाज्म, मैलिग्नेंट जो कैंसर उसके रेस्पेक्ट में पूछा कि, तो ये मैलिग्नेंट जो वो कैंसर सेल है, सही है. बेनाइन ट्यूमर ये नहीं है, गलत हो गया. और सेल दैट नॉर्मली रिमेन कॉन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, नहीं, ये मेटास्टेसिस करती है, तो ये भी गलत हो गया. फिर दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, नहीं, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. तो सही हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव इनकरेक्ट मैचिंग, है ना, डिजीज वगैरह के लिए इनकरेक्ट मैच हमने को देखना है. तो इन्फ्लुएंजा, ऑर्थो, माइक्सोवायरस, डॉपलेट इन्फेक्शन, सही है. साल्मोनेला, सॉरी स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये भी सही दिया है. मम्स, पेरा माइक्सो वायरस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये भी सही है. येलो फीवर, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, नहीं, ये डेंगू वायरस जो उससे रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे इसके लिए इनकरेक्ट और हमारा राइट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट, 85 ट्यूमर कौन से टिश्यू से रिलेटेड है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो कार्सिनोमा मतलब एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो गया फर्स्ट. यहाँ पे कुछ WBC को रिप्रेजेंट किया गया जो कुछ पैरासाइट्स के अगेंस्ट वर्क करती है, तो उसके लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे कौन सी WBC रिप्रेजेंट करी है, तो आप लोग देखें कि ये प्लेटलेट्स हैं, तो ये इसके अगेंस्ट वर्क नहीं करती है टीनिया सोलियम के लिए. यहाँ पे आप लोग देखें कि बेसोफिल को रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये इस एंडोपैरासाइट लिवर फ्लू के अगेंस्ट वर्क ऐसे नहीं करता है. यहाँ पे आप लोग देखें कि ये एक एक्टोपैरासाइट है, इसके अगेंस्ट ये वर्क WBC नहीं करती है. फर्स्ट ऑप्शन में जो इओसिनोफिल है वो एस्केरिस जो कि एंडोपैरासाइट है उसके सरफेस एंटीजन के ऊपर जुड़ करके डीग्रेन्युलेशन की प्रोसेस से जिन केमिकल को रिलीज करती है वो इसका डिस्ट्रक्शन को
कॉज कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट मैचिंग वाला ऑप्शन है तो कैंसर से रिलेटेड है ये, तो मिलेनोमा कैंसर ऑफ पिगमेंट सेल सही है, एडिनोमा ग्लैंड का कैंसर, लिम्फोमा लिम्फेटिक टिश्यू का, और ग्लियोमा कैंसर ऑफ ग्लियल सेल इन सीएनएस। तो राइट आंसर अपना जो है इसके अकॉर्डिंग हो गया थर्ड। नेक्स्ट देखें कि हमारी बॉडी में दो टाइप के जीन है, प्रोटोन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये अपोप्टोसिस कॉज करते हैं, सेल डेथ, ये सेल साइकिल को इनहिबिट करते हैं, और डीएनए रिपेयर को भी प्रमोट करते हैं, और ये प्रोटो ऑन्कोजीन को रोकते हैं। लेकिन अगर प्रोटोन को जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो फिर कैंसर की प्रोसेस हो सकती है, और प्रोटो ऑन्कोजीन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो ये ऑन्कोजीन में बदल जाता है, तो जिससे कैंसर की प्रोसेस प्रमोट होती है। तो आप लोग देखें कि कैंसर इज जनरली कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन इनटू ऑन्कोजीन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ, और कौन सा जीन इनएक्टिव हो जाए, ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो राइट आंसर हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, इस फिगर के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। तो ये एनसीईआरटी का ही फिगर है जो फंगल इन्फेक्शन के रेस्पेक्ट में। तो देखें, मैनी फंगी बिलोंगिंग टू थ्री जनेरा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सही है, इसके लिए तीनों जनेरा जो एनसीईआरटी में दी हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, ये भी सही है। फिर लिखा है अपीयरनेस ऑफ मॉइस्ट, नहीं, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसकी जगह क्या होना है, ड्राई स्केली लेजन ऑन सम पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन नेल्स एंड, फिर ये सही हो जाता है। और ये इसके सेकेंडरी सिम्टम नहीं है, ये इसके प्राइमरी या इसके ये मेन सिम्टम है, इसलिए ये ऑप्शन इसके लिए गलत हो गया। तीसरा, दीज लेजन आर कम्प्लीस्ड बाई इंटेंस इचिंग, ये भी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, विच वन इज नॉट ए मेजर यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज अमोंग एडोलेसेंट। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, ये सही है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग सही है, सेकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स सही है, फिर लिखा है सेकिंग मेडिकल हेल्प विद अवॉइडिंग डेंजर साइन, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इस डेंजर साइन का ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे अवॉइडिंग की वजह से ये गड़बड़ हो गया, तो इसमें राइट ऑप्शन हो गया फोर। नेक्स्ट, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एचआईवी, एचआईवी के लिए गलत ऑप्शन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो पहला है एचआईवी नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू एयर वाटर टॉयलेट सीट थ्रू इंसेक्ट बाइट, सही है, इनसे ये नहीं फैलता है। देर इज नो वैक्सीन फॉर एचआईवी बिकॉज जीन दैट कोड फॉर वायरस सरफेस प्रोटीन म्यूटेड फ्रिक्वेंटली, ये भी सही है कि वायरस के जीन के फ्रिक्वेंटली म्यूटेशन की वजह से एचआईवी अपने सरफेस पे नए टाइप के प्रोटीन कोड करता है। हेल्पर टी सेल विच हैव CD4 रिसेप्टर ऑफन फर्स्ट सेल ऑफ इम्यून सिस्टम इन्फेक्टेड विथ एचआईवी, नहीं, सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है वो मैक्रोफेज में होता है, तो इसमें गलत ऑप्शन हो गया थर्ड। फोर लिखा है टू मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अमोंग एड्स पेशेंट आर न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट, यूज ऑफ इंटरफेरॉन अगेंस्ट कैंसर आर फाउंड टू बी इफेक्टिव, कि इंटरफेरॉन कैंसर के लिए इफेक्टिव है क्यों, तो आप लोग देखें कि कैंसर सेल जो है वो इम्यून सिस्टम के डिटेक्शन में नहीं आती, इम्यून सिस्टम को प्रमोट किया जाता है इंटरफेरोन के थ्रू। तो राइट आंसर हो गया कि कैंसर सेल अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, इसीलिए इंटरफेरोन को यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट, कुछ सिम्टम जो डॉक्टर एक पेशेंट में देखता है तो इनके अकॉर्डिंग उसके अंदर किस पैथोजन का इन्फेक्शन हो सकता है, तो देखें इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन है, फीवर है, एनीमिया है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज है, तो ये सब जो है वो इफेक्ट पड़ते हैं एस्केरिस की वजह से, होने वाली डिजीज एस्केरियसिस की वजह से। नेक्स्ट,
हेल्थ के रेस्पेक्ट में पूछा कि हेल्थ के लिए क्या सही है, तो कंप्लीट फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके लिए सही है, तो राइट ऑप्शन है फॉर मोर देन वन ऑप्शन। नेक्स्ट, एड्स के रेस्पेक्ट के में पूछा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स, की कौन से स्टेज में किसी के अंदर एड्स के सिम्टम आएंगे, ये तब होगा जब उसके अंदर CD4 काउंट कम हो जाएंगे और हेल्पर टी सेल का नंबर घट जाएगा। तो इस ऐसा जो स्टेटमेंट है कि वेन एच आई वी डेमेज ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, विच टेक्निक विल यू रिकमेंड फॉर स्क्रीनिंग एंड कंफर्मेशन, तो स्क्रीनिंग के लिए जो टेक्निक है वो एलाइजा है और उसका कंफर्मेशन के लिए प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है और इसलिए है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो राइट आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट, सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय क्रॉनिक इंटेक ऑफ, तो ये जो है अल्कोहल के क्रॉनिक इंटेक की वजह से होता है। नेक्स्ट, तो पूछा है कि इसमें एल्वियोलाई जो है वो फ्लूड से फिलअप हो जाते हैं और ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो ये किस दौरान होता है, तो ये है किससे रिलेटेड, न्यूमोनिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज इंट्रोड्यूस इन पॉन्ड टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया और फाइलेरियासिस, तो इसके लिए जो गैम्बोशिया फिश है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव एनेबल अस टू कंप्लीटली इरेडिकेट ए डेडली डिजीज लाइक, तो ये जो है स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है, इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू, तो राइट आंसर है फोर। नेक्स्ट, एंटी हिस्टामिन एड्रेनालिन स्टेरॉइड जो है वो क्विकली किसके सिम्टम को कम करते हैं, तो ये एंटी एलर्जिक है, एलर्जी से रिलेटेड जो सिम्टम है उनको ये रिड्यूस करते हैं, आंसर हो गया अपना थर्ड। नेक्स्ट, स्मोकिंग के रेस्पेक्ट में कि इसकी वजह से ब्लड में किसका लेवल बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, तो यहां पे दो स्ट्रक्चर दिए हैं, इनके रेस्पेक्ट में करेक्ट मैचिंग आपको देखना है, तो आप लोग देखें कि ए जो है वो मॉर्फिन के लिए है और बी कैनबिनोइड्स हैं, तो इसमें ए के लिए लिखा है कोकिन जो कि रॉन्ग हो गया, बी के लिए लिखा है हीरोइन, नहीं वो कैनबिनोइड्स हैं जो मॉर्फिन हीरोइन मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है इसलिए वो भी गलत हो गया, कैनबिनोइड्स भी ठीक है, फिर आगे लिखा है एट्रोपा बेलेडोना सोर्स, नहीं ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया जो धतूरे से रिलेटेड है। फोर ऑप्शन में देखें, मॉर्फिन ए के लिए सही है, पेपेवर सोमनीफेरम सोर्स सही दिया है और सीडेटिव है, पेन किलर है, तो ये इसका करेक्ट मैच हो गया। नेक्स्ट, सबसे सेफ टेक्निक पूछी है कैंसर के डिटेक्शन के लिए, तो आप लोग यहाँ देखें कि टेक्निक पूछी है, तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, टेक्निक की बात करें तो जैसे रेडियोग्राफी है, MRI है, CT कंप्यूटर टोमोग्राफी है, तो आप लोग यहाँ देखें कि किसमें X-ray को यूज़ नहीं किया जा रहा है वो सेफ होगी, और यहाँ पे आप लोग देखें MRI में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे MRI जो है वो सेफ टेक्निक है। नेक्स्ट, इनके लिए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन था, सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग देखें कि ए जर्सी है और बी लेगहॉर्न है। नेक्स्ट, यहाँ पे MOET प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप लोग देखें कि इसमें काऊ के अंदर कौन से हार्मोन को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो आप सबको पता है कि इसके अंदर FSH होना चाहिए, तो एस्ट्रोजन की वजह से आप लोग यहाँ देखें कि एस्ट्रोजन तो इसके लिए नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं है, LH भी नहीं है, FSH यहाँ पे गिवन है,
एफएसएच को इंट्रोड्यूस करने के बाद फीमेल के अंदर सुपर ओवुलेशन की प्रोसेस हो रही है 2 नंबर पे, वो भी सही है, और लास्ट में जो फर्टिलाइज एक को रिकवर किया जाएगा उनको सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तो करेक्ट मैच इसका अपना हो गया 4। नेक्स्ट, इंडिया में वाइडली जो यूटिलाइज की जाती है हनी और बी वैक्स के प्रोडक्शन के लिए, तो जो सबसे फेमस है वो एपिस इंडिका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एडिबल मैरीन फिश के रेस्पेक्ट में, तो आप लोग देखें हिल्सा, सार्डिन, मैकरेल और पॉम्फ्रेट सही मैच दिया इसमें रोहू की वजह से, यहाँ पे कटला और यहाँ पे कॉमन कार्प इस वजह से गलत हो गई जो कि फ्रेश वाटर फिश है। नेक्स्ट, हिसार्डेल के रेस्पेक्ट में पूछा कि इसको किस प्रोसेस के थ्रू कहाँ पे बनाया गया है, तो आप लोग मेरिनो रैम्प एंड बीकानेरी एव जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन ए कॉन्सेप्ट डेवलप बाय एडवर्ड जेनर बाय यूजिंग काउपॉक्स वायरस टू मेक ह्यूमन इम्यून टू स्मॉल पॉक्स इज एग्जांपल ऑफ, तो ये किसका एग्जांपल है, तो इसमें बॉडी के अंदर वीक पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया गया है और इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट वर्क करता है, तो ये एक्टिव हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, तो देखिए नेचुरल तो होगा नहीं, यहाँ पे आर्टिफिशियल सही है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करेगा, पैसिव नहीं है क्योंकि पैसिव के अंदर एंटीबॉडी एंटीजन की जगह एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो राइट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट, टाइफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ एनिमल, लिम्फोइड ऑर्गन के लिए, तो आप लोग देखें कि बोन मेरो और थाइमस हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और बर्सा ऑफ एब्रिशियस ये पक्षियों के अंदर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है, लेकिन ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है इसलिए ये यहाँ पे ऑड हो गया, तो आंसर हो गया इसका 4। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे देखें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में माल्ट के रेस्पेक्ट में आपको पूछा कि ये कितना परसेंट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कवर करता है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को बताइए 50% इसमें आता है। नेक्स्ट, हेल्थ के रेस्पेक्ट में, हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन यूजिंग टॉल क्लॉथ कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एंड द इन्फेक्शन अकर इजिली इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फंगल इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे फैगोसाइटिक बैरियर के लिए, तो आप लोग देखें कि कुफर सेल और डस्ट सेल फैगोसाइटिक सेल्स हैं, PMNL पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल जिसके अंदर न्यूट्रोफिल मेनली फैगोसाइटिक सेल है, बाकी की 2 सेल भी कैरी आउट ये प्रोसेस कर सकती हैं, मैक्रोफेज है, माइक्रोग्लियल सेल न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व है, लेकिन किलर टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल ये इन्वॉल्व नहीं है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग करती है और बाकी की जो फैगोसाइटिक सेल है वो इंट्रा सेलुलर किलिंग करती है पैथोजन की, तो ऑप्शन हो गया इसमें राइट 2। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो आप लोग इसमें देखें कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज है और ग्रेव डिजीज भी ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें TSS रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर ACH का जो रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट होता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में घुटनों के अंदर नी के अंदर IgM एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, बट जो स्किड है सीवियर कम्बाइंड इम्यूनोडेफिशियंसी डिसऑर्डर, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है बल्कि ये इम्यूनोडेफिशियंसी डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून के अंदर इसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो गया 3। नेक्स्ट, एंटेमोफिली थ्रू बीज हैज रिजल्टेड इन एनहेंस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एक्सेप्ट बी, कि इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें कौन इन्वॉल्व नहीं है बी के थ्रू, उसमें भी स्पेसिफिकली, तो आप लोग देखें कि बी की वजह से एप्पल में, सनफ्लावर में और ब्रैसिका में पॉलिनेशन हो रहा है, NCERT के ही ये स्टेटमेंट है, लेकिन बनाना जो है वो फ्लावर क्रिएट नहीं करता, उसमें सीड जनरेशन नहीं होता है, तो राइट आंसर हो गया अपना 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन
लीड्स टू रप्चर ऑफ मास सेल इन रेस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ एलर्जन। तो आप लोग देखें कि फर्स्ट टाइम जब हमारे अंदर कोई एलर्जन एंट्री करता है, तो उस एलर्जन के एंट्री करते ही जो बी लिम्फोसाइट है उसको प्रोसेस करती है, उसके बाद जो बी लिम्फोसाइट है उससे मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल जनरेट होती है। प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाती है जैसे IgE, ये एंटीबॉडी बाइंड अप हो जाता है मास सेल की सरफेस पे। IgE और मास सेल की सरफेस पे ये IgE एज ए रिसेप्टर वर्क करता है, इसको सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। सेकेंड टाइम वही एलर्जन जब बॉडी में एंट्री करता है तो ये एलर्जन सीधा इनके ऊपर जुड़ता है और इस मास सेल का डीग्रेनुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन वगैरह की प्रोसेस कैरी आउट होती है। तो इसमें मास सेल के डीग्रेनुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो इम्यूनोग्लोबुलिन है एंटीजन की या एलर्जन की एंट्री के बाद, तो अपना आंसर हो गया IgE। नेक्स्ट, नेचुरल किलर सेल के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई नहीं हो रहा। तो आप लोग देखें कि NK सेल नेचुरल किलर सेल और TC सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल दोनों ही लिम्फोसाइट है, लेकिन TC सेल स्पेसिफिक है और NK सेल नॉन स्पेसिफिक है, और दोनों ही जो है एक ही तरीके से परफोरिन ग्रीन एंजाइम रिलीज करके एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग की प्रोसेस के थ्रू एंटीजन को का डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि इसमें ऑड वन पूछा है जो अप्लाई नहीं हो रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो एंड मैच्योर इन थाइमस बाय एक्वायरिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक होती है। बाकी के स्टेटमेंट सही है, देख लेते हैं एक बार। दीज आर पार्ट्स ऑफ सेलुलर इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि हम लोगों ने बात की कि ये नॉन स्पेसिफिक है तो ये इनेट का पार्ट है। दे प्रोड्यूस परफोरिन प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेन एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं परफोरेशन के लिए, ये भी स्टेटमेंट भी सही है। और इसके बाद में दे कैन एक्ट अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल, इन दोनों ही सेल को जैसे टीसी सेल इनको किल करती है वैसे ही एनके सेल भी एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग के थ्रू इन सेल्स का डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। तो अपना तीनों सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन अप्लाई हो रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, करेक्ट सेट ऑफ डिजीज विच स्प्रेड थ्रू फीको ओरल रूट, मतलब फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज पूछी है। तो आप लोग देखें कि इसमें कोलेरा फूड एंड वाटर बोर्न है, हिपेटाइटिस ए फूड एंड वाटर बोर्न है, हिपेटाइटिस बी जो है वो कंटामिनेटेड ब्लड से होता है, बाकी हिपेटाइटिस ए सी डी और ई ये फीको ओरल रूट से स्प्रेड होते हैं। टाइफाइड भी फीको ओरल रूट से कॉज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट सेट यहाँ पे है, लेकिन बाकी में एलिफेंटियसिस की वजह से रॉन्ग हो गया, हिपेटाइटिस बी भी कंटामिनेटेड ब्लड से है, और एंटेरिक फीवर तो चलो कह सकते हैं इसमें आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हिपेटाइटिस बी की वजह से ये फूड एंड वाटर बॉर्न है, ये वाला भी, हिपेटाइटिस ए यहाँ पे बी की वजह से, और ये एलिफेंटियसिस भी फूड एंड वाटर बॉर्न नहीं है। तो आप लोग देखिए अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, Providing passive immunity to a person will include all strategy except passive immunity, मतलब बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जाना चाहिए। तो आप लोग देखें ATS एंटी टिटनस सीरम, एंटी जो सीरा है वो उसका मतलब है एंटीबॉडी। तो फर्स्ट सही है, प्रोवाइडिंग IgA एंटीबॉडी टू न्यू बॉर्न थ्रू कोलेस्ट्रम, ये भी सही है। नेक्स्ट, पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन, लेकिन इसके अंदर तो बॉडी के अंदर एंटीजन की एंट्री होती है जो वीक होता है, जो कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर काउंट नहीं होता है, ये एक्टिव है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी सीरा अगेंस्ट वाइपर टॉक्सिन, तो ये भी पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर इंक्लूड है। तो अपना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड आपको यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्पीसीज के लिए पूछा है। आप लोग देखें कि यहाँ पे ओवेल के लिए 14 डेज है, वाइवेक्स के लिए भी 14 है, फैल्सिफेरम जो सबसे डेंजरस टाइप का उसका 12 दिन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो इसका 28 से 30 डेज। तो अपना ऑप्शन हो गया यहाँ पे लॉन्गेस्ट के लिए 4। नेक्स्ट, अल्फा इंटरफेरॉन इज एडमिनिस्ट्रेट
एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट इज इट इज ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर है, ये इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो ऑप्शन हो गया अपना कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर विच एक्टिवेट इम्यून रेस्पॉन्स हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, है ना। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आप लोग देखें कि इंटरफेरोन काउंट होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी उसी में आते हैं, फैगोसाइट तो सेलुलर बैरियर का पार्ट हो गया, लेकिन एंटीबॉडीज तो स्पेसिफिक है ना, ये तो बी लिम्फोसाइट बनाता है और वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है जो कि स्पेसिफिक है। तो अपना ऑप्शन राइट यहाँ पे हो गया सेकंड। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ एंटीबॉडी विच ऑल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू ए डेवलपिंग फिटस। सबसे ज्यादा IgG है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो अपना आंसर हो गया यहाँ पे सेकेंड, IgA तो आपको पता है मदर मिल्क में होता है। नेक्स्ट, एमनेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स मतलब सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो कि फास्ट होता है और मेमोरी सेल के थ्रू हो रहा है। तो आप लोग देखें प्राइमरी के अंदर ये काउंट नहीं है, स्लो एंड शॉर्ट लिव्ड नहीं, ये फास्ट होता है, स्लो नहीं है। तो यहाँ पे हो गया अपना राइट ऑप्शन सेकंड, जिसमें लिखा है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इनिशिएटेड बाय मेमोरी सेल। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ सम साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनेबोलिक स्टेरॉइड बाई सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन, है ना। तो इसमें आप लोगों को पूछा कि मेल और फीमेल दोनों में कौन सा है। तो आप लोग यहां देखें कि मैस्कुलिनाइजेशन तो केवल फीमेल में है, इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस ये दोनों में है, मूड स्विंग भी दोनों में है, इसके बाद डिप्रेशन भी दोनों में है, लेकिन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जो है वो केवल किस में है, मेल में, और प्रीमेच्योर बाल्डनेस भी केवल मेल में है, और डीपिंग ऑफ वॉइस ओनली फीमेल में। तो अपना यहाँ पे हो गया तीन ऐसे यहाँ पे हैं, तो ऑप्शन हो गया अपना सेकंड, थ्री। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड इंटरफेरॉन लेवल इन पर्सन बॉडी इंडिकेट इन्फेक्शन ऑफ, इंटरफेरॉन जब भी बॉडी में बढ़ता है तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर वायरस का इन्फेक्शन हुआ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए इसमें वायरस कौन सा है, ट्रिप्नोसोमा, प्रोटोजोआ, उकेरिया, एक हेलमेंथीज है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, चिकनगुनिया यहाँ पे वायरस है। तो राइट आंसर हो गया अपना थर्ड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग कैन नॉट बी, एनिमल ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। आप लोग देखें डिजीज रेजिस्टेंस है, ग्रोथ रेट इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव है, रिप्रोडक्टिव रेट को बढ़ाना भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ आप लोग देखें टू इम्प्रूव क्वालिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि क्वांटिटी को नेग्लेक्ट करते हुए केवल क्वालिटी को इम्प्रूव कराना है, इसमें दोनों का ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी का भी और क्वांटिटी का भी, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग हो गया अपना फोर। नेक्स्ट, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर लाइक CD4 एंड CD8 आर एक्वायर्ड बाई टी लिम्फोसाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, जो टी लिम्फोसाइट है उसके अंदर टी हेल्पर सेल और एक है टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल जो है उसके ऊपर जो CD4 होता है वो होता है सी डी जो मॉलिक्यूल होता है वो CD4, और टी सी जो है उससे रिलेटेड जो है सी डी प्रोटीन वो है CD8, और ये जो एक्वायर यहाँ पे हो है तो आपको पता है कि बोन मेरो में दोनों का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मैच्यूरेशन की प्रोसेस जो है वो टी लिम्फोसाइट का मतलब थाइमस में हो रही है, और ये जो रिसेप्टर एक्वायर हो रहे हैं वो मैच्यूरेशन के दौरान हो रहे हैं लेकिन बोन मेरो में नहीं। तो ये हो जाएगा अपना ए, तो हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन एंड बी इन थाइमस, तो आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड। नेक्स्ट, पैराटोप इज द इम्यूनो कॉम्पिटेंट रीजन प्रेजेंट ऑन FAB पार्ट, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग पार्ट, यानी ये वाला हिस्सा जो कि वेराइबल है हेवी का भी और लाइट का भी, तो आंसर हो जाएगा अपना FAB कंपोनेंट ऑफ एंटीबॉडी, क्योंकि FC रीजन तो ये पार्ट हो गया इसका, FC रीजन
कि फैक्टर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एफ सी भाग से ये किसी भी डब्ल्यू बी सी के ऊपर जुड़ते हैं, लेकिन एंटीजन जो इन पे जुड़ रहा है वो कहाँ है, एफ ए बी पार्ट पे। आंसर हो गया अपना थर्ड। नेक्स्ट, ए बूस्टर रेस्पॉन्स इज करेक्टराइज बाई ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बूस्टर रेस्पॉन्स का मतलब यहाँ पे है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स से, और इस दौरान सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी बनता है वो आई जी जी बनता है, और कम जो बनता है वो आई जी एम बनता है। तो आप लोग देखें, हाईली विग्रस होता है, सही है, इसको एनेमिस्टिक रेस्पॉन्स भी बोला गया है, सही है, और ये मेमोरी सेल के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए आई जी एम इज द मोस्ट अबंडेंट, नहीं यहाँ पे होगा आई जी जी, ये सबसे ज्यादा बनता है, तो इसके अंदर जो रॉन्ग हो गया वो हो गया फोर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू डस्ट पार्टिकल, एलर्जी से रिलेटेड है। तो देखें कि फर्स्ट हो जाएगा डिफिकल्ट ब्रीदिंग वीजिंग ड्यू टू ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, रिलीज ऑफ हिस्टेमाइन बाई मास्टोसाइट, ये भी सही है, रैशेज ऑन स्किन, रैशेज भी अपियर हो जाते हैं, लेकिन नाखून नेल्स का ब्ल्यू होना और एल्यूलाई में पस का इकट्ठा होना, ऐसा कोई इसके अंदर एलर्जी की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, म्यूकस प्रोडक्शन जरूर बढ़ता है, लेकिन पस वगैरह इकट्ठा नहीं होती है। तो इससे रिलेटेड जो इनकरेक्ट हो गया सिम्टम में वो कौन सा हो गया आपका थर्ड, बाकी के फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ एलर्जिक रिएक्शन की वजह से है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एमोइबिक डाइसेंट्री कॉज्ड बाई एंटमीबा हिस्टोलिटिका, द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन होस्ट, हमारे लिए इन्फेक्टिव स्टेज है टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, फोर, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर के इसके लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट, रॉन्ग मैच आपको यहाँ पे पूछा गया है डब्ल्यू बी सी के रेस्पेक्ट में, तो बी सेल के लिए प्रिकर्सर ऑफ प्लाज्मा सेल स्पेशलाइज टू रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन, सही स्टेटमेंट है, सही बात है। मास्ट सेल के लिए एड्स इन अराइवल ऑफ ल्यूकोसाइट एट साइट ऑफ इन्फेक्शन, हेंस इज इम्पॉर्टेंट इन एलर्जिक रेस्पॉन्स, सही है, सही स्टेटमेंट दिया है। साइटोटॉक्सिक टी सेल डू नॉट रिमेंबर द ओरिजिनल स्टिमुलेशन बाई द इम्यून रेस्पॉन्स, नहीं, ये स्टिमुलेशन जो ओरिजिनल है उसको याद रखती है मेमोरी सेल जनरेशन के थ्रू, मेमोरी सेल बनती है, इसलिए ये वाला यहाँ पे इनकरेक्ट यहाँ पे मैच हो गया। फोर सही है, कैसे, प्लाज्मा सेल है वो बायोकेमिकल फैक्ट्री है जो एंटीबॉडी को का प्रोडक्शन करती है एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट फॉर फिशरीज, तो पहला देखा कि इट इज डिवोटेड टू कैचिंग प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेज ओनली, इस वजह से गलत हो गया, मछलियों के अलावा दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए भी ये जो है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, फिर बाकी के स्मॉल नंबर विच वन इज करेक्ट पूछा है ना, तो पहले वाला इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड वाला देखें, स्मॉल नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन, नहीं, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इस वजह से ये भी गड़बड़ हो गया। फिशरीज हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फोर वाला क्यों गड़बड़ हो गया, इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू ट्रिलियंस, नहीं, इसके जगह आएगा मिलियंस, लाखों लोगों को, तो ये वाला भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, विच वन पॉइंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, ये लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से हैं, इनमें कुछ लाइनों को चेंज किया हुआ है, तो आप लोग जब भी इसको सॉल्व करें तो एनसीईआरटी के अंदर इनके इनसे रिलेटेड जहाँ पे भी लिखा है तो उन स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान से देखना। तो यहाँ पे पूछा कि बी कीपिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहला देखें नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ बी, सही है। सेलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव, ये भी सही है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म, ये भी सही है। फिर फोर देखें, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन विथ ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन, इस वजह से गलत हो गया, स्पेसिफिक सीजन में नहीं, कई सीजन के अंदर इसको जो बी हाइव है इसका मैनेजमेंट किया जाता है, तो रॉन्ग हो गया यहाँ पे फोर। नेक्स्ट, विच वन इज ए इफेक्ट ऑफ निकोटीन ऑन बॉडी, बॉडी पे निकोटीन के इफेक्ट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे पूछा हुआ है। इट स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलेमाइन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, सही बात है, मतलब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज
करवाता है ये एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करके। नेक्स्ट लिखा है डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, नहीं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, इसलिए ये वाला रोंग हो गया। थर्ड वन देखिए, इट इज नॉट रिलेटेड विद ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, नहीं ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देता है, तो ये भी यहाँ पे रोंग हो गया। चेविंग टोबैको इज नॉट एडिक्टिव, नहीं ये एडिक्टिव है, तो इसके रेस्पेक्ट में सही जो हो गया वो हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, अस्थमा किससे करेक्टराइज होता पूछा है, तो आप लोग देखेंगे ये इसमें कोई लंग्स पेन नहीं होता है, एल्यूलर वॉल डिग्रेडेशन भी नहीं होता है, डायफ्राम पे भी इतना कोई वो इफेक्ट नहीं है, लेकिन स्पाज्म इन ब्रोंक्यूलर मसल, इसके अंदर एयर जो पाथ है उसमें ब्रोंक्यो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिससे एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो एयर का फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो अपना राइट आंसर हो गया इसमें 4। नेक्स्ट, मैच ईच डिजीज विथ इट्स करेक्ट टाइप ऑफ पैथोजन, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो टिटनस क्लॉस्ट्रिडियम से हो गया, गोनेरिया नेसेरिया से हो गया, बुबोनिक प्लेग यर्शीनिया और वोपिंग कफ सीधा बोर्डेटेला, मैचिंग वाले तो डायरेक्ट सामने लिखे हुए थे, तो इजी क्वेश्चन थे ये, तो आप लोग देखेंगे इसके रेस्पेक्ट में अपना हो गया आंसर नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिजीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल हाइजीनिक, पर्सनल में इंक्लूड नहीं है, तो फर्स्ट वाला कीपिंग द बॉडी क्लीन पर्सनल में आता है, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फूड वेजिटेबल फ्रूट्स ये भी आता है, कटिंग आउट एनलार्ज नेल्स एट रेगुलर इंटरवल आता है उसमें, लेकिन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा ये पर्सनल में नहीं है, पब्लिक में है, तो आंसर हो गया 4। नेक्स्ट, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, तो पहला देखें, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज असेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस, सही बात है, सही ऑप्शन, सही लिखा है इसके लिए। सेकेंड देखें, कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोस्पी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू एंड ब्लड बोन मेरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट, सही है। थर्ड वाला, रेडियोग्राफी सीटी एमआरआई आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, सही लिखा है, सही स्टेटमेंट है। फिर फोर्थ देखें, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, गलत हो गया, क्योंकि कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है वो एक्सरे को यूज करते हैं और ये वाला तो एमआरआई के लिए है, तो ये वाला ऑप्शन आपका इसके लिए इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इज एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एचआईवी इन्फेक्शन, तो देखें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे तो एचआईवी जो है वो फैलेगा, तो ये तो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, एक ड्रग एडिक्ट जो इंट्रावेनस इंजेक्शन लेता है उसके थ्रू इसके फैलने के चांसेस होते हैं, लेकिन ऑरली ड्रग को इंटेक किया जा रहा है तो इसमें कहाँ ब्लड का कॉन्टेक्ट होगा, और इसकी वजह से फिर एचआईवी फैलने के चांसेस नहीं रहते हैं, तो आप ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। बाकी के थर्ड फोर क्यों सही है, इंडिविजुअल वो रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार जिसको जिसमें एनीमिया है उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो मान लो हर बार जब वो ब्लड इंटेक करता है इंट्रावेनसली तो उसमें जो ब्लड चाहेगा, हालांकि वो पूरा टेस्टिंग की जाती है कि वो ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन कभी कभार हो सकता है वो इन्फेक्टेड ब्लड हो, तो उससे चांसेस बन जाते हैं। फिर इंडिविजुअल हु रिक्वायर, चलो ये हो गया, चिल्ड्रन बोर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, इससे भी हो सकता है, तो ऑप्शन हो गया इसमें 4। नेक्स्ट, सेलेक्ट एन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, बोन मेरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ब्लड सेल्स एक्सक्लूडिंग की वजह से ये रोंग हो गया, इसकी जगह होगा इंक्लूडिंग, इसके अंदर लिम्फोसाइट इंक्लूड होती हैं। सेकंड देखें, थाइमस इज ए सिंपल ऑर्गन, नो साइमल जो थाइमस है वो एक लॉब्ड ऑर्गन है जिसके अंदर जो कि बाइलॉब्ड होता है, सिंपल नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड मैक्रो, नहीं माइक्रो, इस वजह से ये गलत हो गया। और फोर देखें, स्प्लीन इज ए लार्ज बीन सेप्ड ऑर्गन विच हैज ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट, सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन हो गया अपना 4। नेक्स्ट,
तो इस एनसीईआरटी के डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, और आप लोग इसमें ध्यान से देखना कि कौन सा स्टेज उसके लिए सही है, वो आपको इसमें पूछा हुआ है। आप लोग देखेंगे सबसे पहले वायरस का होस्ट की, ये जो वायरस यहाँ पे है तो इस ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल की आउटसाइड है लेकिन बॉडी की इनसाइड है, तो वायरस बॉडी के अंदर है, और यहाँ पे वायरस का बॉडी की सेल के साथ अटैचमेंट हो रहा है, तो अटैचमेंट ऑफ वायरस ऑन होस्ट सेल ए स्टेप सही है। बी देखें, अंदर अटैचमेंट मतलब सरफेस पे अटैचमेंट के बाद में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, और आरटी एंजाइम जो है वो आरएनए से डीएनए बनाएगा। सबसे पहले तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है, क्योंकि कि जो आरएनए है उस आरएनए से आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है, और फिर वही आरटी एंजाइम क्या करता है उस आरएनए का डिग्रेडेशन कर देता है, और उसके बाद आरटी एंजाइम की हेल्प से ही जो डीएनए है उसको डबल स्टैंडर्ड कर दिया जाता है, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए फिर सेल के अंदर एंट्री करता है। तो आप लोग देखें कि यहां पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय आरटी एंजाइम, नहीं फाइनली इससे कैसा डीएनए बनता है, डबल स्टैंडर्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की वजह से बी स्टेप यहाँ पे गलत हो गया। फिर आप लोग देखें कि आरटी एंजाइम का टास्क यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएगा, और वहां पे ये इंटीग्रेज की हेल्प से होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा है कि वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम बाय द हेल्प ऑफ आरटी एंजाइम, जो कि गलत है, यहाँ पे आरटी की जगह आएगा इंटीग्रेज। तो बी सॉरी सी स्टेप भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पे डी में लिखा है कि न्यू वायरल आरएनए प्रोडक्शन सही है, फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू वायरसेस सही है, लेकिन उसके बाद जब वायरस बाहर रिलीज होते हैं तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है कि जो इन्फेक्टेड सेल है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, और यहाँ पे लिखा है कि वो उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसलिए एफ स्टेप यहाँ पे क्या हो गया, रोंग हो गया। तो ऐसा ऑप्शन देखें जिसके अंदर सही स्टेटमेंट है। तो आप लोग देखें कि पूछा कि इंक्लूड करेक्टली मार्क्ड स्टेप, तो ए वाला करेक्ट है, इसमें जो बी वाला है वो रोंग है, तो बी इसमें आ रहा है तो रोंग हो गया, इसमें बी आ रहा है रोंग हो गया, और इसके अलावा एफ भी रोंग है, तो इसमें एफ आ रहा है तो रोंग हो गया। ए वाला देखें ए सही है, डी वाला भी सही है, और ई ई भी सही है, तो अपना ऑप्शन हो गया यहाँ पे थर्ड। बेस्ट ऑफ लक, ये जो पेपर था एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से ज़्यादा था, तो आप लोग इसको एक बार एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उससे दोबारा से उसको चेक करके और उसकी प्रैक्टिस आप लोग इसके लिए करें।